हाय दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र पवार आप सभी का स्वागत करता हूँ सबसे तेज और दोस्तों ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल में योगेंद्र पवार में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स पास वाले घंटी बटन को भी आप दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक लेटेस्ट और ऑफिशियल वीडियो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों मिलती रहेगी और इसी प्रकार आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते आज की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों आज की जो लेटेस्ट वीडियो ये है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 को लेकर जो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी दोस्तों अभी तक हुई नहीं है। टाइम वैसे आप मैं बताऊंगा आपको टाइम अभी तक क्या हुआ, टाइम 5:30 हो गया दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हुई नहीं है और जैसे होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन इसमें दोस्तों किस प्रकार आपके कौन कौन से खुलासे होंगे उसी को लेकर राज्यसभा सांसद है तो उन्होंने एक ऑफिशियल आदेश जारी किया है। आंदोलन की रणनीति भी इसमें तय होगी और जल्द होगी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्रकार वार्ता है तो आमंत्रण पत्र संपादक संवाददाता दिनांक 25/12/2019 बुधवार को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निवास पर पत्रकार वार्ता रखी गई है। इसमें सरकार के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा व्याख्याता भर्ती परीक्षा के आंदोलन को षड्यंत्र पूर्वक विफल करने का प्रयास किया गया, जिसका खुलासा करने के लिए पत्रकार वार्ता रखी गई दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये बताया जाएगा कि दोस्तों कल जो आंदोलन उग्र था और शाम तक आप सभी को मालूम हो तो मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने के बाद में जिस प्रकार 3000 भर्ती की घोषणा और की गई सितंबर माह में और दोस्तों 31000 रीट की भर्ती की घोषणा की गई उसी को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि जिस प्रकार आंदोलन को विफल किया गया और जो षड्यंत्र रचा गया था आंदोलन को विफल करने को लेकर तो उसका खुलासा किया जाएगा। दिनांक समय दिनांक 25/12/2019 को शाम 5 बजे दोस्तों आज की डेट है और आज का टाइम इसमें 5 बजे दे रखा है। लेकिन दोस्तों अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है। स्थान बंगला नंबर 2 हॉस्पिटल रोड SMS के सामने। कृपया निवेदन है कि आप अपने संवाददाता व कैमरामैन को इस वार्ता को कवरेज करने हेतु भिजवाने का श्रम करें। डॉक्टर सतीश कुमार प्रवक्ता राज्यसभा सांसद और मोबाइल नंबर में इनके लिखे हुए हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियल आदेश जारी किया है राज्यसभा सांसद के जो प्रवक्ता है उनके द्वारा तो आप इसमें देख सकते हो दोस्तों। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें दोस्तों विभिन्न खुलासे होंगे फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 के एग्जाम डेट को लेकर और आंदोलन की रणनीति भी दोस्तों इसमें तय होगी और सरकार को नीचे दिखाने की इसमें कोशिश की जाएगी संपूर्ण रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल आदेश जारी किया गया दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक हुई नहीं है और जैसे होगी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा आपको। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।